भोपाल से अहम खबर के साथ, जहां बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बताते हैं, भोपाल से सामने आ रही, जहां पर बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है। उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर लगातार इसके पहले भी मंथन होता रहा है, लेकिन अब मंथन जरूर शुरू हो चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में शामिल होंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो अहम खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है। उपचुनाव के लिए लगातार प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है, और एक बार फिर से इस बैठक में मंथन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में शामिल रहेंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहेंगे। विजयपुर सीट से रामनिवास रावत का नाम फिलहाल तो लगभग तय माना जा रहा है। विजयपुर सीट से नाम चयन की औपचारिकता पूरी हो रही है, वहीं बुधनी में प्रत्याशी चयन का ये मामला है, संसदीय बोर्ड तक जा सकता है, प्रदेश चुनाव समिति पैनल भेजेगी। अहम खबर आपको बता दें, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। प्रदेश चुनाव समिति कई नामों को तय कर चुकी है, उसका एक पैनल तैयार किया गया है प्रदेश चुनाव समिति का, और पैनल को भेजा जाएगा, और नामों का पैनल जो है तैयार किया गया उसे भेजा जाएगा। विजयपुर और बुधनी सीट पर उपचुनाव होना है, और इसे लेकर आज बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे, हितानंद शर्मा मौजूद रहेंगे। उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन लगातार जारी। तो यह अहम खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां संसदीय बोर्ड तक नाम जा सकता है, प्रदेश चुनाव समिति पैनल भेज सकती है, उन नामों का तैयार हो चुका है, हालांकि औपचारिकता कह सकते हैं कि पूरी होने जा रही है। तो बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है, विजयपुर बुधनी सीट पर उपचुनाव होना है, और इसी के मद्देनजर खास तौर से यह अहम बैठक होने जा रही है। इसके पहले भी हालांकि बैठकों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा था, उसमें भी कई नामों पर चर्चा हो रही थी, और अब विजयपुर से रामनिवास रावत का फिलहाल नाम लगभग तय है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अंजलि सिंह, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंजलि, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितने बजे बैठक शुरू होगी, कौन कौन मौजूद रहेगा और किसका नाम लगभग फिलहाल तय है? देखिए, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो है चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है, इसमें मुख्यमंत्री जो मोहन यादव है उनके भी जो है यहाँ पर उनके शामिल होने की उम्मीद है। तो वहीं इसके अलावा जो है प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा है, उनके साथ जो प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह है वो भी जो है वो यहाँ मौजूद होने वाले हैं। 11 बजे से ये जो है बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में जो है प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उनके जो प्रत्याशियों के नाम है उन पर विचार मंथन किया जाएगा। अगर बात करें तो 2 उपचुनाव होने वाले मध्य प्रदेश में, एक बुधनी विधानसभा में जो है उपचुनाव होने वाला है, जहां से केंद्रीय मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान उनकी जो सीट खाली हुई है तो उसको उपचुनाव होना है। इसके अलावा विजयपुर सीट जो खाली हुई है, ये 2 सीटें हैं, इनको चुनाव होने वाला है, तो उसी को लेकर आज जो है विचार मंथन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो विजयपुर विधानसभा सीट है उधर से राम निवास जो रावत है उनका नाम जो है लगभग तय माना जा रहा है। बैठक में जो है विधानसभा सीट पर जो नाम है उनकी जो औपचारिकता है सिर्फ वो तय होनी है। इसके अलावा अगर बुधनी सीट की बात करें तो बुधनी सीट पर कई दावेदार है, तो उसको लेकर जो है रायशुमारी होने जा रही है, क्योंकि इधर कई दावेदार है। अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो है पूर्व विधायक जो रहे हैं, हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री उनके बेटे जो है उनके बेटे का नाम चल रहा है, इसके अलावा और भी कई दावेदार है, तो उसको लेकर जो है पार्टी रायशुमारी करेगी। लेकिन अगर बात करें तो ये जो पूरे नाम पे आज जो मंथन किया जाएगा, जो वरिष्ठ नेता है आज वो बैठेंगे, रायशुमारी करेंगे, नाम पे चिंतन करेंगे। इसके अलावा विजयपुर सीट की अगर बात करें तो उन पे जो है रामनिवास रावत का नाम, उसके बाद जो है आगे जाएगा, उसके बाद जो केंद्र नेतृत्व से है वहां से मुहर लगेगी, उसके बाद जो है जो नाम है उनकी घोषणा होगी, और जल्द ही जो है उपचुनाव का भी ऐलान होने जा रहा है। तो उसको लेके जो है आज बीजेपी में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रोग्राम की भी बात करें तो आज इनने अपना पूरा दिन जो है आरक्षित रखा हुआ है। वो इंदौर से भोपाल आएंगे, 10 बजे से 4 बजे तक जो है वो भोपाल में ही रहेंगे, तो उसके बाद वो है अलग अलग मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, इसके बाद उनसे चर्चा करेंगे और जो है नाम पर मुहर लगाएंगे, और उसके बाद केंद्र नेतृत्व में भेज देंगे। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी जो है उनपे जो नामों है उनपे
मोहर लगाएंगे। अब देखना होगा कि दोनों विधानसभा सीटों पर क्या सहमति बनती है और केंद्र जी नेतृत्व से सहमति बनती है और कौन होता है वो नाम। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अंजलि, तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने जा रही, तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे, संसदीय बोर्ड तक नामों का पैनल जो है वो जा सकता है, प्रदेश चुनाव समिति भेजेगी और इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि वो कौन सा नाम होगा।